हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकाज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चार अलग अलग तरह के पराठे जो सुपर हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, बच्चे बड़े सबको पसंद भी आते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, रात के डिनर में बना सकते हैं, या सुबह आप बच्चों के टिफिन में, हस्बैंड के लंच में पैक करके दे सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी भी है। तो पहला पराठा हमारा है लौकी पराठा। जब भी हमारे घर में आते हैं तो हम सोचते हैं लौकी से क्या बनाएं, लौकी की सब्ज़ी, लौकी के कोफ्ते, लौकी से मिठाइयाँ तो हमने बहुत बनाई हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे लौकी के पराठे। तो यहाँ मैंने आधी लौकी ली है, आधी लौकी का इस्तेमाल मैंने कल सब्जी बनाने में कर लिया था, आधी लौकी बची थी तो मैं उसका आज पराठा बना रही हूँ। सबसे पहले पिलर से इसके छिलकों को छिलकर लौकी को साफ कर लेंगे और इसके बाद इसे पानी से धुलकर दो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। लौकी पतली ले और ऐसा चुने ना जिसमें ज़्यादा बीज ना हो, लौकी में बीज ना हो तो ज़्यादा अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। अब मैं मोटे पे नहीं, बारीक वाले ग्रेटर पे इसे ग्रेट करूँगी। बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करने से ना ये आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा आता है, समझ में नहीं आता है, आटे में बहुत आसानी से मिक्स होते हैं, तो इसलिए मैं इसे बारीक वाले ग्रेटर पर ग्रेट कर रही हूँ। और देखिए ये बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट हो रहे हैं। ये प्रोसेस जल्दी करते हैं क्योंकि लौकी ना जब हम ग्रेट करते हैं तो ग्रेट करने में ही वो काली पड़ने लगती है और पानी छोड़ने लगती है, तो हमको जल्दी से अपनी सारी लौकी को ग्रेट कर लेना है। और जब हमारी देखिए लौकी ग्रेट हो चुकी है तो मैंने एक मिक्सर जार में 8 से 10 कली लहसुन की ली है और मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे तोड़ के मैं बिना पानी डाले बिल्कुल दरदरा क्रश करूँगी। मैं यहाँ 1 प्याज को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते तो प्याज को स्किप करें। मैंने यहाँ 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, ये मेरा मल्टीग्रेन आटा है। इसमें मैंने 2 पिंच हल्दी, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला। बारीक कटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून डाला है मैंने और इसमें स्वादानुसार नमक डाले, मैंने यहाँ 1 टी नमक डाला है। और जो क्रश किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था मैं उसे डाल रही हूँ। पेस्ट ना डालें, क्रश करके ही डालें तो इनमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। पहले हम लौकी को अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है, नमी होती है, प्याज भी पानी छोड़ता है और नमक डाल जाने से दोनों पानी छोड़ते हैं। आटे में मिक्स कर लेंगे पहले और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथेंगे। आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसको ज़्यादा मुलायम नहीं करना है क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है, तो बाद में जितना देर ये आटा रहेगा वो अपने आप सॉफ्ट होता जाता है। तो हमें इसे थोड़ा कड़क ही गूंथना है, बस आटे को पानी मिलाकर एक सार कर लेना। और हमारा ये आटा एक बराबर हो चुका है। और अब मैं इसमें थोड़े से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे, बिल्कुल 1/2 टीस्पून ऑयल है, इसको डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी आटे को। और आटे को मिलाकर मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी, तब तक मैं तवा को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इससे एक बड़े नींबू के साइज़ के बॉल बना रही हूँ। धनिया पत्ते को बारीक काटे नहीं तो उसके डंठल आते हैं बीच बीच में, जैसे अभी मेरे में है। मैंने एक छोटा सा बॉल बना लिया, थोड़े से सूखे आटे से कोट किया क्योंकि ये पानी छोड़ते हैं तो थोड़े से चिपकते हैं, तो थोड़े से सूखे आटे से कोट करेंगे और फिर इनको हम रोटी की तरह गोल गोल बेल लेंगे। और ये हमने बेल कर तैयार कर लिया। इसका थिकनेस मैं दिखाती हूँ, ये इतना मोटा है, जो अच्छा आटा लगे उसे झाड़ दें। और देखिए मैंने पहला बेल लिया और ऐसे ही मैं दूसरा भी बेल कर आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसे तिकोना या चकोर शेप में भी बेल सकते हैं। और ऐसे ही मैं दूसरी भी पराठे बेल कर तैयार कर ली। और अब मैंने तवा को भी जैसे बताया कि गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इधर मेरा तवा भी गर्म है। अब इस पर मैं अपने एक पराठे को डाल दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक कुक होने दूँगी। जब 2 मिनट पराठा नीचे से कुक हो जाए ना तब हम इसको पलट देंगे। पराठे को जब भी पकाए ना तो हमको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। हाई फ्लेम पर पराठे में ऊपर से कलर आ जाता है और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और लो फ्लेम पे पकाने पे पराठे बहुत ज़्यादा टाइट बनते हैं, तो मीडियम फ्लेम परफेक्ट होता है। दोनों तरफ से उलट पलट कर मैंने पराठे को सेकने के बाद इसमें 1 टीस्पून तेल से मैंने ग्रीस कर दिया पराठे को और अच्छे से सेक लूँगी इसको चारों तरफ से। और ये देखिए हमारा पहला पराठा बनकर तैयार है और ये कितने अच्छे से सिक गया है चारों तरफ से। अब मैं दूसरा मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और दूसरा पराठा डाल दिया। ऐसे ही करते हुए मैं दूसरे पराठे को भी 2 मिनट एक तरफ से सेकने के बाद पलट दूँगी और फिर उसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट सेक लूँगी। और इसके बाद फिर से मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। मैंने इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। आप इसे तेल की जगह घी में भी इस्तेमाल कर सकते बना सकते हैं, बटर से भी बना सकते हैं। ये सुपर हेल्दी है क्योंकि इसमें लौकी है, इसमें कोई भी ऐसा मसाला नहीं जो हमें नुकसान करे। बहुत तेल मसाले भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तेल में सिक नहीं रहा है, तो इसे आप घी में भी बना सकते हैं। और ऐसे ही बना के मैं अपने बच्चों को टिफिन में भी देती हूँ, या आप इसे चाहें तो लंच या डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। इसे आप दही अचार चटनी के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटो केचप के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं।
हमारा दूसरा पराठा है सत्तू का पराठा। ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। अब सत्तू की स्टफिंग बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक कप सत्तू ली है और इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। एक बड़े प्याज को बारीक चॉप करके डाला है, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक डाला और 3 से 4 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक क्रश करके डाल रही हूँ यहाँ। और मैंने यहाँ 1 टीस्पून नींबू का रस डाला, इससे अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से रगड़ के क्रश करके डाला, 1/2 टीस्पून कलौजी को हाथों से रगड़ के डाला। यहाँ 2 टेबल स्पून में सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसमें पानी नहीं जाता है, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और धनिया पत्ता डाला। यहाँ मैं आम के अचार का मसाला डाल रही हूँ, इसलिए मैंने नींबू का रस कम डाला था। खटाई के लिए हम आम के अचार के मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तभी ये ट्रेडिशनल यूपी बिहार वाला टेस्ट आता है, क्योंकि वो लोग आम के या मिर्च के अचार का मसाला डालते हैं, अचार नहीं मसाला डालते हैं, जिससे खट्टा टैंगी टेस्ट आता है। और यह हमारी स्टफिंग मिक्स करके मैंने तैयार कर ली। इसे हाथों से ही मिक्स करते हैं, क्योंकि चम्मच से अच्छे मिक्स नहीं होंगे। और अब देखिए मैं इसका पिंडी बना रही हूँ, बहुत अच्छे से बन जा रहा है। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार, इसे टेस्ट कर ले कि नमक वमक तो सही है। यहाँ मैंने अब पराठे बनाने के लिए 2 कप गेहूँ का आटा लिया, स्वादानुसार नमक डाला। नमक स्टफिंग में है तो नमक थोड़ा कम डालें। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे नॉर्मल आटा गूंथकर तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा मुलायम। स्टफिंग वाला जब भी हम पराठा बनाते हैं तो थोड़ा मुलायम बनाते हैं, तो इसका हमें नॉर्मल आटा गूंथकर तैयार करना है। इसे अच्छे से मैं मसल कर गूंथ लूँगी। आप चाहें ना तो इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल कर सकते थे, इससे ये खस्तापन आता है, लेकिन मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ। हमारे घरों में ये डेली बनने वाली, हर हफ्ते में एक दो दिन तो बन ही जाती है, तो मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। देखिए इतना सॉफ्ट आटा बनेगा। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया, जिससे मैं इसे चिकना कर लूँगी, ताकि आटे के ऊपर थोड़ा सा एक चिकनी लेयर बने, वो सूखे नहीं, ड्राई नहीं हो। और इसे मैंने अच्छे से गूंथ लिया, तो मैं इसके तुरंत पराठे बनाने वाली हूँ। अब मैंने एक छोटा सा बॉल, मेरे घर में पतले पराठे खाते, छोटा सा बॉल लिया, उसको उंगलियों से घुमाते हुए बिल्कुल गोल कटोरी जैसा शेप दिया, उसमें स्टफिंग डाली। और जैसी आपकी लोई है उसके हिसाब से आप स्टफ करिए, बड़ी लोई हो तो ज़्यादा स्टफिंग जाएगी, छोटी लोई हो थोड़ा कम स्टफिंग डालिए। और उंगलियों से घुमाते हुए गोल इसका मुंह बनाए, और जो एक्स्ट्रा आटा है वहीं दबा दें, ताकि ये फटेगी नहीं। और देखिए ये बनकर तैयार है। मैं आपको दूसरा भी स्टफ करके दिखाती हूँ। एक छोटी सी लोई ली और उसमें उसको उंगलियों से थोड़ा सा सूखे आटे से कोट करके उंगलियों से घुमाते हुए गोल करते हुए मैं इसे एकदम कप का शेप दे रही हूँ, कटोरी जैसा बना दे रही हूँ। और उसके अंदर स्टफिंग डाली, और स्टफिंग जितना आपको पसंद है उतना डालिए। फिर उस स्टफिंग को उंगलियों से अंदर दबाया और एक्स्ट्रा आटा को ऊपर जो आए उन्हें घुमाते हुए फिर जो एक्स्ट्रा आटा है उसे वहीं दबाकर मैंने इसे सेल कर दिया। अब थोड़े से सूखे आटे से मैं इसे डस्ट करूँगी और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से गोल बेल लूँगी। इसे ज़्यादा ना दबा के बेलें वरना ये फट जाएगा। ऐसे टेंशन ना ले, इसे हमें तवा पे पकाना है तो फटेगा भी तो कोई बात नहीं, बस फूलेगा नहीं। अगर फटता नहीं है तो बहुत अच्छा ये फूला फूला पराठा बनता है। और ऐसे ही मैंने दोनों पराठों को थोड़ा थोड़ा बेल लिया। मैंने वहाँ तो ये मुकनी बोलते हैं, थोड़ा मोटा बनता है, मेरे घर में पतला खाते हैं, तो मैं पतला बना रही हूँ। तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और इस पर अब मैं पराठे को डाल दे रही हूँ। पराठे को मीडियम फ्लेम पे ही सेके, हाई या लो फ्लेम पे ना, हाई फ्लेम पे ये ऊपर से काले पड़ जाएंगे और लो फ्लेम पे ये पराठे कड़क हो जाएंगे। अब मैं इसे पलटते हुए दोनों तरफ से सेकने के बाद थोड़े से घी में बना रही हूँ मैं इसे, तो घी से ग्रीस कर लिया, ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया। और ये देखिए कितने अच्छे बलून की तरह फूल गए ना हमारे पराठे, किनारों से थोड़ा दबाइए, ये अच्छे से फूल जाते हैं। ज़्यादा तरफ से दबाते हुए मैंने सेक लिया और ये हमारा पहला पराठा बनकर तैयार हो गया। तो मैं तवे पर दूसरा पराठा भी डाल दूँगी और इसे भी दोनों तरफ से सेक लूँगी। और देखिए मीडियम फ्लेम पर इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट पक रहा है। फिर मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसे आप चाहें तो सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या रात के डिनर में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये हमने दूसरा पराठा भी बनाकर सेक लिया। हम इनकी प्लेटिंग करेंगे, तो इस पराठे को वहाँ तो जैसे मैंने चोखा भरता के साथ लोग खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्याज ली हूँ। प्याज में नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, इससे प्याज बहुत अच्छा लगता है। इसका ऐसे सलाद बनाएंगे तो इसमें मैंने दही रखी, इसके साथ इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर की चटनी इसके साथ बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और मैंने देखिए पराठे कितने सॉफ्ट कितने मुलायम बने हैं। इसे ओल्ड एज के लोग भी खाएं ना तो बहुत आसानी से खा सकते हैं, ये बिल्कुल कड़क नहीं है। इसमें काट कर दिखा रही हूँ कि इसकी स्टफिंग कितनी परफेक्ट है, आप देख रहे हैं इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी हुई है। चारों तरफ से मैं इसको आपको कट करके दिखा रही हूँ, अंदर तक पूरी फुली स्टफिंग है। अगर
हमारी तीसरी पराठा है सेव पराठा, जो एक मारवाड़ी पराठा की रेसिपी है। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे पराठा बनाने के लिए। ठीक है, मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। स्वादानुसार नमक डालें और आटे में अच्छे से मिला लें, और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। जब भी हम स्टफ पराठे के लिए आटा बनाते हैं ना, तो डो हमेशा सॉफ्ट बनाना चाहिए, क्योंकि हमें इसको इसके अंदर स्टफिंग करनी होती है। अगर आटा टाइट रहा स्टफिंग करके जब हम उसको बेलते हैं ना, तो पराठे फटते हैं ना तो वो फूलते नहीं हैं अच्छे से जब हम उनको सेकते हैं। तो स्टफिंग वाली पराठे के लिए हमें डो सॉफ्ट लगाना चाहिए, इसीलिए सॉफ्ट लगाने पे फटते नहीं हैं। और यहाँ मेरा आटा अब गूंद कर तैयार है, और ये देखिए बहुत अच्छा गूंथा है और सॉफ्ट है। आप चाहें तो इसमें मोयम भी डाल सकते हैं, मगर मैंने मोयम का इस्तेमाल नहीं किया है। मोयम डालने से पराठा खस्ता बनते हैं। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून तेल से बस इसे चिकना किया है। ऐसा करने से ना पराठे सॉफ्ट बनते हैं। अंदर मोयम डालेंगे, आटे मिलाएंगे तो खस्ता बनेंगे, और मोयम नहीं डालकर ऐसे करेंगे तो चिकने बनेंगे। अब एक चटनी बनाती हूँ, आटे को 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ 20 कली मैंने लहसुन की खल में डाली और इसे कूट लूँगी अच्छे से। जैसे अदरक कूटने वाला होता है ना, उसमें ही डालकर मैं इसे कूट रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाली है, आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 पिंच मैंने इसमें नमक डाला, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला, और अब मैं इन सबको मिला लूँगी। इस चटनी से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें मैं अब थोड़ा सा ना 1 टीस्पून सरसों तेल डाल रही हूँ, जिससे चटनी का फ्लेवर और इन्हेंस होता है। आप चाहें अगर नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं तेल, और फिर से इन्हें कूट लेंगे मसालों के साथ, अच्छे से मिला लेंगे। सरसों तेल डालने से ना मिर्च की जो झाँक आती है वो नहीं आती है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पानी डालूंगी और इसे अच्छे से मिलाकर मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। देखिए हमारी चटनी गीली नहीं हुई है पानी डालने से। और अब चटनी बनकर तैयार है, तो मैं स्टफिंग बनाती हूँ। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप सेव लिया है, और इसमें 1/2 कप मैंने प्याज डाला, 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 2 पिंच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैंने 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला, थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि सेव में पहले से नमक होता है, तो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, कम डालें। और सेव में मसाले भी होते हैं, तो इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेव में हम प्याज डालते हैं तो ये थोड़ा सा ना सॉगी हो जाता है, तो जब आपको बनाना हो तभी इस स्टफिंग को मिलाइए और इकट्ठा कीजिए। अब एक लोई ली, उसे गोल बना लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा काला तेल डाला, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला, और इसे रोटी की तरह गोल बेल लेंगे हम। इसकी पहले स्टफिंग करने के लिए पहले इसको बेलेंगे। आप परेशान ना हो, हम बताएंगे कि स्टफिंग कैसे होती है आपको। तो मैंने इसे गोल बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे रोटी बनाते हैं ना पतली, वैसे बेल कर तैयार कर लिया। और अब जिधर धनिया है उसको नीचे रखेंगे, और जो जिस तरफ नहीं लगाई हूँ उस तरफ मैं इस चटनी से चारों ओर कोट करूँगी। ये चटनी बहुत तीखी होती है, बहुत चटपटी होती है, तो इसका इस्तेमाल कम करें, बहुत ज़्यादा ना करें, तो पराठा बहुत चटपटी हो जाएगी। स्टफिंग बीच में रखेंगे, साइड से दोनों को मोड़ें, और उसके अपोजिट साइड को दोनों को मोड़कर आपस में चिपका देंगे, इसे पकड़ की तरह बना लिया। इन्हें चिपकाने के लिए पानी या घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आटा गीला होने की वजह से चिपक जाता है। सूखे आटे से कोट करके मैंने इन्हें चकोर बेल लिया, और ये मेरा बेलकर तैयार है। तो ये हमारा पहला पराठा बेलकर तैयार है। दूसरा आटे फिर भी मैंने चकला लिया, गोल किया, उस पर तिल और धनिया पत्ता डाला, और इसे फिर मैं रोटी की तरह गोल बेल लूँगी। ऐसा बेल देने से ना तो धनिया पत्ता तिल इसमें चिपक जाते हैं। आप इस पर अजवाइन कलौजी भी छिड़क सकते हैं। अगर आपको ये तिल और धनिया पत्ता ना पसंद हो तो इसे बिना छिड़के भी आप इसे बेल सकते हैं। और फिर से मैंने इसे उल्टा करके इसके ऊपर चटनी लगाई, और ये देखिए इतना पतला होना चाहिए। एक बेल कर रखा था, मैं उसकी अपनी थिकनेस दिखाती हूँ, रोटी की तरह बिल्कुल है। अब इस चटनी के ऊपर मैं फिर से उस पर अपने स्टफिंग रख कर इसे चारों तरफ से सील कर दिया, और पॉकेट बिल्कुल इनवलप की तरह बनाकर तैयार कर लिया। सूखे आटे से कोट किया, और मैंने इसे फिर से चकोर शेप में बेल लिया, और यह हमने दूसरा पराठा बेल कर तैयार कर लिया। हम ऐसे ही सारे पराठे बेल लेंगे। तो अब मेरा तवा भी गर्म हो चुका है, मैंने तवा को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस गर्म तवे पर मैंने अपने पराठे को डाले और उलटते पलटते हुए इसे सेक लूँगी। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी। हाई फ्लेम पे ना पराठे ऊपर से काले पड़ जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और लो फ्लेम पे पराठे सख्त बनते हैं, बिल्कुल टाइट च्यूस हो जाते हैं। तो पराठों को जब भी सेके तो मीडियम फ्लेम पे सेके। उलटते पलटते हुए मैंने इसे घी लगाकर सेका है, और इसे थोड़ा सा दबाते हुए चारों तरफ से पका लेंगे। और ये हमारा पहला पराठा बनकर तैयार है, और ये सेव पराठा बनकर तैयार है। ये बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में भी।
इसी तरह मैंने दूसरे पराठे को भी तवे पे डाला और उसे भी उलटते पलटते हुए सेक लूँगी। और इस पर भी मैं थोड़े से घी से अब सेकने के बाद दोनों साइड से तेल से ग्रीस करूँगी और इन्हें पलटकर अच्छे से पका लूँगी। ऐसे करके आप सारे पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन पराठों को आप सुबह की भाग दौड़ में टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में बनाकर भी खा सकते हैं। ये बहुत यम्मी लगते हैं, इन्हें बनाना बहुत आसान है, ईजी टू कुक है और कम टाइम में झटपट बनकर तैयार रहते हैं। कहीं घूमने गए, लेट आए या ऑफिस से लेट आए तो भी आप इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेल्दी भी है, इसमें ऑयल का और मसालों का इस्तेमाल बहुत कम है। तो हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया। इसे अब दही अचार रायते के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपनी बेटी के टिफिन में अचार के साथ डालती हूँ, उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। हमारा ये सेव पराठा बनकर तैयार है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मैं अब आपको इसकी स्टफिंग खोल के दिखाती हूँ। ये चारों तरफ इसमें अच्छी स्टफिंग है और जो चटनी हम लगाते हैं इससे ये बिल्कुल चटपटी बनती है। जैसे स्टफिंग कई बार कई जगह नहीं होने से अच्छा फ्लेवर टेस्ट नहीं आता, तो इस चटनी की वजह से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। हर बाइट में आपको स्वाद ही स्वाद होता है। और ये लास्ट सोया चंक्स के पराठे, ये भी बहुत सुपर हेल्दी होते हैं। यहाँ मैंने एक कप सोया चंक्स लिया है। इसे मैं उबलते हुए गर्म पानी में इसे भिगोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए, अच्छे से फूल जाए। इन्हें हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने एक परात में 2 कप मल्टीग्रेन आटा लिया और इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला। स्वादानुसार आप नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल नरम सॉफ्ट डो बनाएं। जब भी हम कोई स्टफिंग वाले पराठा बनाते हैं तो उसके लिए डो हमेशा सॉफ्ट बनाते हैं, टाइट डो नहीं बनाए, वरना पराठे में जब स्टफिंग करके हम बेलते हैं तो हमारा पराठा फट जाता है और उससे पराठा भी बहुत चिम्मड़ च्यू बनता है, मतलब कड़क होता है। तो हमें आटा सॉफ्ट लगाना है। देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून बिल्कुल तेल डाला और तेल डालकर इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, चिकना कर लूँगी ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। और आटे को ढककर मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारे सोया चंक्स अच्छे से अंदर तक फूल कर तैयार है। अब मैं इन्हें स्टेन कर लूँगी। अब मैंने इनके सारे पानी को निकाल लिया। इसके बाद इनमें जो पानी ने सोख किया है सोया चंक्स ने, उनको मैं निचोड़ लूँगी। निचोड़ करके सारे पानी को निकाल कर अलग कर लूँगी, छान लूँगी इनको। सारे सोया चंक्स से पानी निचोड़ लूँगी। अब ये सारे सोया चंक्स से मैंने पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हें कोर्स दरदरा पीसूंगी। तो इसके लिए मैंने मिक्सर जार लिया और उसमें मैंने इनको सपोर्ट ट्रांसफ़र किया। अब मैं मिक्सी को पल्स पे रुक रुक कर 2 से 3 बार चलाऊंगी और ये देखिए ये बिल्कुल कोर्स दरदरे पीसकर तैयार है। मैंने इनको पेस्ट नहीं बनाया है, मैं किसी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो भींगे हुए थे उसी पानी की वजह से आराम से पीस जाते हैं। पल्स पर रुक रुक कर पीसना है, लगातार नहीं चलाना कि बिल्कुल पेस्ट हो जाए, वैसा नहीं हमें बनाना। इन्हें फ्राई करते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रखा। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून सरसों तेल का इस्तेमाल किया। आप जो तेल खाते हैं तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाला। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 से 3 कली लहसुन की और 1/2 इंच अदरक को ग्रेट करके डाला है। आप चाहे तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। ऐसे जब भी डालें तो पेस्ट ना डालें, ग्रेट करके ही डालें। अगर आप नहीं खाते तो स्किप करें। मैंने एक बड़े प्याज को चॉप किया है बारीक बारीक और उन्हें डाला। इन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छा क्रंच कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इन्हें गलाना नहीं है, इनमें क्रंच लाना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, इनका लाइट पिंक कलर लाएंगे। अब ये प्याज हमारे पक गए हैं तो जो हमने सोया चंक्स के दरदरा कोर्स पीस कर रखा था उसे डालेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट भुनेंगे। इसमें मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स मसाले ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर डाला, स्वादानुसार नमक डाला और सबको डालकर अच्छे से मैं मिला लूँगी। और मिलाकर इन्हें 2 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इन्हें भून लूँगी ताकि हमारे मसाले भी भुन जाए और हमारे ये सोया चंक्स भी भुन जाए। अब बारीक कटा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे मिलाकर कि अच्छे से हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डालती हूँ। टमाटो केचप से इनमें एक अच्छा टैंगी टेस्ट आता है जो अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आता है।
अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप करें। अगर आपने नहीं ऐसा किया तो एक बार ट्राई करके इसे ज़रूर देखें। और इसके बाद मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मैं इसे फ़ैन के नीचे रख दूँगी कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और ये देखिए इसका कलर, इसका टेक्चर कितना परफेक्ट आया है। अब मेरे आटे को रेस्ट करते हुए भी 20 मिनट हो गए हैं, तो मैं एक बार फिर से इसे अच्छे से मसल लूँगी। देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है, देखने से ही लग रहा है ना कि बिल्कुल सॉफ्ट है। अब मैं इसे छोटी छोटी लोई बना लूँगी। मेरे घर में लोग पराठे पतला पसंद करते, तो मैंने छोटी छोटी लोई बनाई है। आप जैसा पराठा पसंद करते हैं वैसा बना सकते हैं। अब जिसको अगर वो दादी अम्मा नानी अम्मा वाली स्टफिंग गोल वाली फीलिंग नहीं आती, वो भी इस पराठे को बना सकते हैं। इसके लिए आप रोटी की तरह पतला इसे बेल लीजिए और बीच में स्टफिंग रख के पहले दोनों किनारों को मोड़िए और फिर साइड से दोनों किनारों को मोड़ के इन्हें पॉकेट की तरह बना लीजिए। बिल्कुल एनवलप जैसे बनाते हैं ना, वैसे दोनों तरफ चारों तरफ से मोड़ लिए और हल्के हाथों से थोड़े से सूखे आटे से कोट करके इन्हें हम बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, तेज ना दबाएं वरना फटेगा। ऐसे ही मैं दूसरा बेल के दिखाती हूँ। रोटी की तरह गोल बेल लिया, इसकी थिकनेस बिल्कुल रोटी की तरह है। बीच में जितना स्टफिंग चाहते हैं उतना रखें। जब ऐसे हम पॉकेट की तरह बनाते हैं तो इसमें से स्टफिंग बाहर निकल कर नहीं आती, तो आप स्टफिंग पूरा पूरा डाल सकते हैं। और ये दूसरा पॉकेट भी बनकर तैयार, और इसे मैंने दूसरा पराठा भी बेल कर तैयार कर लिया। अब मैंने तवा को भी गर्म होने के साथ में ही रख दिया था, तो ये हमारी स्टफिंग होकर तैयार है पराठे बेलकर। तो अब तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसे अपने पराठे को डालती हूँ और उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेकते हुए 2-2 मिनट पकाकर गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें पराठे को कुक करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से इसका कलर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और ये पराठे देखिए अच्छे से खिलते हैं। और लो फ्लेम पे हमारे पराठे चिमड़े बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बलून की तरह खिले हैं हमारे पराठे। इन्हें दोनों तरफ से मैंने घी लगाकर सेका है। आप घी, बटर, तेल जो पसंद करते हैं उसे सेक सकते हैं। और सेक लिया और ये हमारे पराठा बनकर तैयार है। अब मैं आपको गोल वाली की स्टफिंग कैसे करते हैं देखिए। पहले छोटा सा बॉल लिया, उंगलियों से घुमाते हुए कप का शेप दिया और फिर स्टफिंग डालकर बीच में दबाते हुए स्टफिंग को चारों तरफ से मुंह बंद किया और वहीं पर एक्स्ट्रा आटे को दबा दिया। ऐसे दूसरा करके दिखा रही हूँ। कटोरी की तरह गोल किया, स्टफिंग डाला हाथ से, स्टफिंग को अंदर किया, आटे का मुंह बंद किया चारों तरफ से इकट्ठा करके। अब इसे सूखे आटे से कोट करके इसे भी हल्के हाथों से गोल बेल लेंगे। आपको जैसे पसंद आए वैसे बना सकते हैं गोल या चकोर। अगर आपको नहीं आता गोल तो चकोर भी बना सकते हैं। इसे भी हम वैसे ही तवे पे डालकर सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकेंगे, लो फ्लेम पे नहीं, वरना हमारे पराठे चिमड़े होंगे। घी लगा के हम इसे कोट कर लेंगे। उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लिया और ऐसे करके हमारा ये पराठा भी बहुत अच्छे से देखिए खिल रहा है। इसको चारों तरफ से दबाते हुए मैंने सेक लिया और ये हमारा गोल पराठा भी बनकर तैयार है। तो ये हमारे सोया चंक्स के पराठे बनकर तैयार है। इसे आप दही, चटनी, टमाटो केचप या प्याज के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारे दोनों तरह से पराठे बनकर तैयार है। मेरे घर में इसे दही और केचप के साथ खाना पसंद करते हैं। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कि इसमें स्टफिंग कितनी बराबर हुई है और ये कोने कोने तक बिल्कुल स्टफिंग भरी हुई है। कहीं भी मैं इसमें इस चकोर वाले बनाने का यही फ़ायदा होता है कि पूरे किनारे तक स्टफिंग होती है और अच्छे से होती है, कहीं से फटता नहीं है और बहुत अच्छे से कुक होता है। तो जिसे हमें स्टफिंग नहीं करनी आती वैसे ऐसे स्टफिंग करके आप कोई भी पराठा, आलू गोभी मटर किसी भी चीज़ की पराठा ऐसे बना सकते हैं। ऐसे मैं गोल वाले की भी कटिंग करके दिखा रही हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।